हरियाणा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी से हाईकमान सख्त नाराज, कार्रवाई करने की दी चेतावनी, वहीं साथ बैठाकर पढ़ाया एकजुटता का पाठ। दिल्ली में हुई बैठक में हरियाणा के 40 नेताओं के साथ तैयारी की विधानसभा चुनाव की रणनीति। केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा प्रभारी को किया कार्रवाई के लिए अधिकृत। बैठक में राहुल गांधी ने लगाई हुड्डा पर फटकार। हुड्डा ने बैठक में कहा कि यह मेरा आखिरी विधानसभा चुनाव होगा। वहीं इसी पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने उन्हें इस बार टोक दिया और कहा कि आप ही की तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह भी यही कहा करते थे। राहुल गांधी की इस बात पर बैठक में बैठे हुए सभी नेताओं ने जमकर ठहाके लगाए। चलिए पूरी खबर आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को लेकर हाईकमान ने कड़ी नाराजगी जताई। हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं को सख्त हिदायत दी कि वे एक दूसरे की ना तो खिलाफत करें और ना ही सार्वजनिक रूप से कोई ऐसा बयान दें जिससे पार्टी से नुकसान हो जाए। इस संबंध में हरियाणा प्रभारी को संज्ञान लेने के लिए अधिकृत किया गया। दोनों नेताओं ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की नसीहत दी। दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में बैठक में लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को लेकर फीडबैक लिया गया। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ साथ कुमारी शैलजा सहित 5 सांसदों और कांग्रेस के विधायकों ने हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव में पहले से भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच जुबानी विवाद चल रहा है। दोनों ही सीएम चेहरे को लेकर लॉबिंग कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दे चुके हैं। वहीं किरण चौधरी भी हुड्डा के विरोध में पार्टी छोड़ चुकी हैं। इस मामले को भी हरियाणा प्रभारी ने बैठक में रखा। विदेश में होने के चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला बैठक में नहीं पहुंचे, जबकि चौधरी वीरेंद्र सिंह, बीबी बत्रा, आफ्ताब अहमद, गीता भुक्कल, शमशेर सिंह गोगी, कुलदीप वत्स, शकुंतला खटक आदि मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी, जेपी वरुण चौधरी के साथ साथ लोकसभा के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने पर राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे समय में पार्टी छोड़ने वालों के लिए सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। जिसे पार्टी की नीति और फैसले पसंद नहीं वो जा सकता है। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के लिए सराहना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन हरियाणा में रहा। वहीं राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार विधानसभा चुनाव के टिकट किसी के कहने से नहीं बल्कि सर्वे के आधार पर मिलेंगे। जो भी कार्यकर्ता या जो भी नेता पार्टी के लिए वफादार होगा और जिताऊ कैंडिडेट दिखाई देगा उसे ही कांग्रेस पार्टी टिकट देगी।